फ्रेंड्स, क्या आप भी आपके जो गूगल पे अकाउंट है उसमें एक्टिव बैंक अकाउंट की जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने दिखाई दे रही है? किस तरीके से इस एक्टिव बैंक अकाउंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमें क्यों आती है, कब आती है और किस लिए आती है, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पे गाइस देखिए, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिवेट नहीं है और एक्टिवेट करने के लिए आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है एक्टिवेट करना होगा। ये एरर क्यों आता है? जब हम यहाँ पे जो हमारा गूगल पे अकाउंट है उससे लॉग आउट हो जाते हैं तब ये प्रॉब्लम हम लॉग इन करते हैं तब आता है। इसका रीज़न क्यों है गाइस? इसका रीज़न इसलिए है ताकि मान लो किसी ने आपका गूगल पे अकाउंट गलती से लॉग इन कर लिया, जानबूझ के लॉग इन कर लिया, देन वो अपना ट्रांजेक्शन कर सकता है, आपके मोबाइल से सेंड मनी रिसीव मनी कर सकता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वो मोबाइल नंबर की सिम आपको फ़ोन में लगानी है। देन फ़ोन में लगाने के बाद में आपको करना क्या है कि जो एक्टिव बैंक अकाउंट लिखा रहा है सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे इसके बाद में आपको परमिशन देनी है। परमिशन देने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब जो अकाउंट आपका जो बैंक अकाउंट के साथ में जो सिम लगी हुई है वो मोबाइल में लगी हुई है उसे यहाँ से चूज़ करना है। मेरी एक नंबर की सिम है, मैं एक मैंने एक में लगा रखी है तो मैं एक पे क्लिक करता हूँ, देन कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद में SMS की परमिशन देना है। गाइस एक बात का आपको ध्यान देना है, बैलेंस सिम में ज़रूरी होना चाहिए, वेरिफिकेशन के लिए SMS भेजेगा वरना ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा। फिर मत बोलना कि सर मेरा नहीं हुआ है, देखिए वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे। इसका रीज़न सिंपल है गाइस, ये यहाँ पे वेरीफाई करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। एक्टिवेट बैंक अकाउंट हमारा हो चुका है, एक्टिवेट तब हुआ जब इसके अंदर सिम लगी हुई है, अगर ये सिम नहीं लगी होती तो ये एक्टिवेट नहीं होता। देखिए यहाँ से पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब हमारे को जो वो एरर है वो नहीं आ रहा है। देन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सिम में बैलेंस चेक करना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो आपको करना क्या है, बैलेंस डलवाना है। अगर बैलेंस है फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको सिम को चेक कर लेना है कि आपका जो सिम चूज़ कर रहे हो वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक तो है ना, तब जाके ये प्रॉब्लम आपके सामने ऑटोमेटिकली से हट जाएगी।